हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम जुले फ्रॉम लद्दाख एंड नमस्ते प्रणाम और पहलक आप सभी लोगों को मेरा। और कुछ दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि मेरे टूर्स में मैं बिज़ी चल रहा हूँ और पूनम के व्लॉग्स आप देख ही रहे हो कंटिन्यू। तो ये है मेरा 8वां ट्रिप लद्दाख बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ का, और मेरे साथ है हीरो चलो भाई ठीक है जुले। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं खारडुंगला से नुब्रा की तरफ और ये हमारा ट्रिप का 3rd डे। आगे एक सीन हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको, सीन बताता हूँ क्या हुआ है। ये जो भीड़ देख रहे हो आप, लाइन लगी हुई है ना, आगे एक सिविल का ट्रक पलटा हुआ है तो क्रेन लगी हुई है और यहाँ पे बहुत ही डेंजर है मतलब चलाना। पूनम भी आगे व्लॉग शूट कर रही है और देखो क्योंकि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ना, यहाँ पे पलटना मतलब उसका एक्सल टूट गया शायद, मुझे लग रहा है ट्रक का। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे लेके जाऊँगा। तो ये देखो पूरा नीचे यहाँ से ये नॉर्थ पुलू की तरफ जा रहा है, नुब्रा वैली की तरफ, और दो दो क्रेनें लगी हुई थी भाई वो ट्रक निकालने के लिए, पूरा गया था नीचे। क्या हुआ पूनम, कैसा लग रहा है तुम्हें? क्योंकि हमारा सेकंड लास्ट ट्रिप है। राम राम जी। चलो ड्राइवर सेफ है बोलने की। आगे एक कांड हुआ है, कांड ये हुआ है कि आगे एक सरिया का पूरा ट्रक पलट गया नीचे। ड्राइवर सेफ है और दो दो क्रेनें लगी हुई, मेरे पीछे आप एक क्रेन देख सकते हो और पीछे पूरी भीड़ और पीछे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो सेफ्टी पहले है यहाँ पे, तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स है ना, रोड्स अच्छी बना दी हैं गवर्नमेंट ने अभी, तो सबसे पहले उनका शुक्रिया कि रोड्स अच्छी बनाने के लिए इतने हाई ऑल्टीट्यूड में भी, और हमारे जवानों का भी। और आज तो राखी भी है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, मेरी तरफ से शुभकामनाएं मेरी सभी भाई बहनों को। आज ही है या कल है पता नहीं है, कंफ्यूज है, बट ठीक है, फिर भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मिलेंगे नुब्रा में, नुब्रा वैली निकल रहे हैं हम लोग। लगी हुई है पुलिस वाले आर्मी वाले सब। टाइम लगने वाला है अभी आधा घंटा। ड्राइवर सेफ है ना? ड्राइवर सेफ है ना? कहाँ गया, कहाँ तक गया था? कहाँ तक गया था जनाब ट्रक ये? ये कहाँ तक गया था? यहीं पे पलटा? आज इधर ही पलट गया। अच्छा एक्सेल ही टूट गया। ओ मतलब वो नीचे नहीं गया, वो यहीं पे गिर गया, पलट गया यहीं पे। ट्रक भी पुराना लग रहा है। बहुत मुश्किल होती है यार यहाँ पे, अगर ऐसा हो गया ना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो यहाँ पे दिक्कत हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों को यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया, और प्रॉब्लम ये है कि नीचे आप देख रहे हो कॉन्वॉय आ गया आर्मी का, आर्मी का पूरा कॉन्वॉय आ गया। अभी एक साइड रोड खुला भी नहीं है, नीचे आर्मी का कॉन्वॉय और हमारे जस्ट पीछे खारडुंगला के पीछे लेह की तरफ वहाँ से भी कॉन्वॉय आ रहा है। और कुछ तो इतने बेवकूफ़ हैं कि एक लाइन लगी हुई है तो फिर भी यहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया में बिल्कुल होते रहता है, कोऑपरेट नहीं है बिल्कुल भी लोग, और इम्पेशेंस है सबसे ज़्यादा। तो देखो कॉन्वॉय आ रहा है, अब कॉन्वॉय को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी एक लाइन तो पूरा पास होना चाहिए यहाँ से। तो भाई फाइनली जाके 1.5 घंटे बाद ये ट्रैफिक खुला है और वो जो आर्मी का टोकन था ना उसने वो हटा के सरिया साइड कर दिया है, तो अभी बड़ी मुश्किल से खुला है। थैंक गॉड खुला तो सही, बहुत ट्रैफिक था पीछे तक। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी चाहिए। तो अभी देखो आप चांगला पास वाली रोड बन रही है पैंगोंग के लिए जो सीधा जा रहा है, बट ये बहुत ही स्लीपरी होगा विंटर्स में जब बर्फ गिर जाएगी क्योंकि यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है रोड में। आप देख पा रहे हैं जैसे कि पूरा काम चालू है अभी और जोरों से चालू है, 24 तक पूरा ये हो जाएगा लगता है। ओ भाई
मॉर्निंग। और सीधे नुब्रा वैली के बाद मैं अभी शूट कर रहा हूँ पेंगोंग को जाने के टाइम, और नीचे दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। हेलो हेलो नीचे देखो भाई, नीचे नीचे सामने का व्यू देखो, और ये नीचे का देखो, ये वैली पूरी येलो हो रखी है भाई, और वो सीधे ग्लेशियर से पानी आ रहा है पिघल के मेरे सामने, और आप देखो नीचे भाई साहब कितनी सुंदर वैली है ना। तो लद्दाख में आपको ये ब्यूटी भी देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है गुलमर्ग और सोनमर्ग वाला जैसा फील आ रहा है। ये देखो घोड़े भी हैं यहाँ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वाइट ब्लैक रेड ब्राउन, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मिलेंगे आपको आगे पेंगोंग। और ये है मेरा सेकंड लास्ट लद्दाख बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ टूर, ठीक है मिलते आगे। तुम आज के अगले वाले ग्रुप में नहीं आओगे है ना, मजे ले लो, फिर हम उत्तराखंड में मिलेंगे सीधे। अभी देखो रोड का काम चल रहा है और आगे गाड़ियां दौड़ रही है, एक साथ ट्रैफिक लग गया था तो धूल देखो भाई साहब। ऑलमोस्ट पेंगोंग पहुंचने वाले, रोड बहुत ही चौड़ी कर रहे हैं क्योंकि साइना बॉर्डर है आगे, तो ये लीजिए जी हम लोग पहुंच गए पेंगोंग लेक, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक, और सबसे हायर ऑल्टीट्यूड में ये लेक है। कलर देखो आप कितना खूबसूरत, आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है। लुकुंग में लंच करने के बाद हम लोग निकल गए अपने स्टे के लिए, और नीचे उड़ती लड़ाई हमने वो भी स्किप कर दी। कलर दिखाता हूँ मैं आज थोड़ा पेंगोंग लेक का, बीच में एकदम मेटालिक कलर। कुछ बोलना चाहोगे खूबसूरती के लिए पेंगोंग लेक की? वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, फर्स्ट टाइम पेंगोंग में, पेंगोंग ब्लू के। अच्छा फर्स्ट टाइम पेंगोंग देखने है? हाँ वो आगे आगे रुकिए, इतना शेड्स ऑफ ब्लू पहली बार देखो। टाइम की तरह देखो ग्लेशियर का पानी इतना आ जाता है यहाँ पे, बाइकर्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है पता है, और बड़े बड़े पत्थर आते हैं ना। To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.